बहुत ही सिंपल सा क्लीनिंग का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आपने एक बाउल लेना है, बाउल में आपने गर्म पानी लेना है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। ये बाउल में हमने गर्म पानी ले लिया है। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी विनीगर। इसमें आपने जो है आधा कप विनीगर का ऐड कर लेना है इस पानी में। सिंपल सा ये क्लीनिंग का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको पता है कि ईद आ रही है और आपने इस तरह से अपने घर की जो क्लीनिंग है करनी है, तो इसके लिए बहुत ही इजी और सिंपल सा तरीका शेयर कर रही हूँ। आपने कोई भी कपड़ा जो आपके घर में एक्स्ट्रा हो आपने ले लेना है। इस तरीके से आपने पानी में उसको अच्छे तरीके से डिप कर लेना है और इसको निचोड़ लेना है। वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहिएगा। बहुत ही इजी सा ये तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इस तरीके को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। अब इन दोनों पीसेस को, जो कपड़ों को मैंने गीला किया था गर्म पानी में और उसमें जो विनेगर हमने ऐड किया था उसमें, ये जो कपड़ों के पीसेस को हमने गीला किया है, इसको वाइपर के दोनों साइडों पर अच्छी तरह से हम लपेट लेंगे ताकि ये खुल ना सके। और इसको मैं हेयर बैंड से जो है कवर कर लूंगी, ऊपर से इसको पक्का कर लेंगे कि ये कपड़ा खुले ना जब आप सफाई करें अलमारियों की, किचन कैबिनेट की, जहां पर आपका हाथ नहीं जाता। उसके लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो है। ये देखें, इस तरीके से आप इस पे हेयर बैंड जो है चढ़ा लें दोनों साइडों पर। अब दूसरी साइड पर मैं ये कपड़ा जो है इसको लपेट लूंगी जिसको हमने गीला किया था। वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दिया करें। ये देखें, इधर से भी मैं हेयर बैंड से इसको जो है मजबूत कर रही हूँ कि ये हमारा कपड़ा खुल ना सके वाइपर से जब हम इसकी सफाई करें, क्लीनिंग करें। अलमारियां हमारे घर में जो होती हैं उन ऊपर तक हमारा हाथ नहीं जाता और सफाई करने में मुश्किल होती है। इस तरह से आप वेपर पर यह कपड़ा बांधकर इस तरीके से आप अलमारियों को भी क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही ईजी और सिंपल सा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस सिंपल से तरीके से दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाएंगे और जो आपकी अलमारियाँ कैबिनेट वगैरह जो हैं वो भी चमक जाएंगे। ये देखिए, हमारी अलमारी कितनी अच्छे से नीट क्लीन हो गई है। और जो इसके ऊपर डस्ट वगैरह दाग वगैरह थे वो भी हट गए हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये नीट क्लीन हो गई है। आप फर्श को साफ करना चाहें उस पर भी ये कपड़ा, इस विनीगर वाला और गर्म पानी वाला जो हमने डिप किया था वेपर पर चढ़ाया था, फर्श भी इस तरीके से बहुत ही चमक जाते हैं, इनसे दाग धब्बे भी हट जाएंगे। ये देखें, फर्श पर मैंने यही कपड़े को वेपर पे जो चढ़ाया था लगाया है और मेरा फर्श कितना नीट क्लीन हो गया है और इसमें चमक भी कितनी ज्यादा आ गई है। सिंपल सी ये वीडियो आपके साथ शेयर की है। आप इसको जरूर 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 मेरे कहने पर एक बार ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। ये देखिए, कितने अच्छे तरीके से फर्श हमारा चमक चुका है। आप किचन की कैबिनेट को भी इस तरीके से साफ कर सकते हैं जहां तक आपका हाथ नहीं जाता। बहुत अच्छे तरीके से किचन की भी जो कैबिनेट है वो साफ हो जाएंगी, दाग धब्बे भी हट जाएंगे और जो इन पे मिट्टी वगैरह होती है वो भी साफ हो जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।